बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां एक भी एडमिशन प्रक्रिया के डेट फिर से बढ़ गई ही। अब अपना बजट बता दी, 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अब फिर से एक भी एडमिशन प्रक्रिया का कॉलेजन के बढ़ा दिन गया है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महमकनिष तिवारी अपना बजट का समय जमीन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जौने में अपना बजट बता दी। मध्य प्रदेश में कुल 1301 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज संचालित है, सबका मिलाए के 10 लाख सीट है। एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो गए है, लेकिन 3.5 लाख सीट खाली रही गई ही। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एमएस से ज्यादातर सीट जो है प्राइवेट कॉलेज के ही। सरकार पर दबाव बढ़ा तो सरकार के द्वारा एडमिशन के एक्स्ट्रा राउंड शुरू कर दिए गए, जो 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चली। अपना बजट बता दी, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि अब तक 10 लाख सीटन मां 6,31,000 सीटन मां जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका है। एमएस से 75% एडमिशन सरकारी कॉलेज में भाई। डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा बताया गया कि पिछले साल 5,64,000 एडमिशन भरे हैं, यह साल यूजी और पीजी मिलाए के 7,78,000 स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन भाई, जौने मां 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट के वेरिफिकेशन हो चुका है। मध्य प्रदेश में GIR बढ़े के कारण उच्च शिक्षा विभाग के लगातार जो है काम कर रहा है और उनके पास जो है अभी लगभग 10 लाख स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है। सनद रहा है सरकारी कॉलेज में भीड़ के चलते फीस जमा करे की तारीखों बढ़ा दी गई, तो निश्चित तौर पर यह एडमिशन के प्रक्रिया लगातार बढ़ा। कौन कौन छूटे छटके जो लोग हैं जिनका सरकारी कॉलेज में मौका नहीं मिला, उनके खातिर एक बेहद बड़ा मौका है कि 21 से 30 अक्टूबर तक वो तारीख जो है नियत की गई ही, और मजा आए कि अपना एडमिशन प्रक्रिया के भाग ले सकी थे और साथ में अपने मनपसंद कॉलेजों चुन सकी थे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।